नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ धनतेरस के पौराणिक कथा। तो चलिए सुने धनतेरस के पौराणिक कथा में क्या है, आइए जाने। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक राजा बलि के भय से देवताओं को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि को बलि ने दान करने का निर्णय ले लिया। उस समय भगवान वामन ने अपने एक पैर से पूरी धरती को नापा और दूसरे पैर से अंतरिक्ष को नाप लिया, लेकिन तीसरा पैर रखने के लिए कुछ स्थान नहीं बचा था। जिसके बाद बलि ने वामन भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया था। देवताओं को बलि के भय से इस तरह मुक्ति मिल गई थी। इसी जीत की खुशी में धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये थी धनतेरस के पौराणिक कथाएं। आशा करती हूँ आप सबको ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।